नमस्कार दोस्तों, आप जिस पर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो YouTube अब भारत का हो चुका है। अब से YouTube को एक भारतीय ऑपरेट करेगा। अब तक के सफर में जब से YouTube चल रहा है तब से उसे विदेशी ऑपरेट करते थे, यानी कि विदेशी चलाते थे। लेकिन Google के CEO सुंदर पिचाई की तरह ही अब YouTube का CEO नील मोहन बन चुके हैं, जो एक भारतीय नागरिक है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नील मोहन जी कैसे यूट्यूब के CEO बन गए, इसके पीछे की जर्नी क्या रही और नील मोहन हैं कौन आखिरकार। उससे पहले इंडिया के ऐसे ही अचीवमेंट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहे। 16 फरवरी 2023 विश्व के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन अलकायदा के हेड सैफ अल आदेल को बनाया जाता है, जो एक सीरिया का मूल निवासी है और सीरिया से ही बैठे बैठे वो ऑपरेट करेगा। वही दूसरी तरफ विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब के CEO नील मोहन को, जो एक भारतीय निवासी हैं, बनाया जाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आईटी सेक्टर का मतलब है इंटरनेशनल टेररिज्म, वही भारत के आईटी सेक्टर का मतलब है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, दोनों देश ये आगे जा रहे हैं, बस इनका सेक्टर अलग अलग है। हम इंफॉर्मेशन में आगे जा रहे हैं, एजुकेशन में आगे जा रहे हैं, वही वो आतंकवाद में आगे जा रहे हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की इसी तरक्की में YouTube के CEO नील मोहन बन चुके हैं। उसके पहले YouTube का CEO यानी कि सुसान डायने बोडोस्की थी, जो एक विदेशी मूल की निवासी थी, और जब से YouTube स्टार्ट हुआ तब से ये YouTube के साथ लगी पड़ी थी। लेकिन इन्होंने YouTube से अब इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि कोरोना के बाद YouTube का जो रिवेन्यू है वो बहुत कम हो चुका है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे सभी लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और सभी लोग YouTube के क्रिएटर बन रहे थे या फिर YouTube पे लगे पड़े थे, YouTube पर रोटी बनाना तक लोग सीख रहे थे। और जब कोरोना खत्म हो गया तो लोग अपने काम पर वापस आने लगे, फिर जाके YouTube से जो पीपल से YouTube का जो ट्रैफिक है वो कम होने लगा, और कम होने के साथ साथ YouTube का रिवेन्यू भी कम होने लगा। वहीं YouTube का रिवेन्यू कम करने में सबसे ज़्यादा हाथ Instagram का भी है, क्योंकि लोग YouTube से ज़्यादा Instagram के रील्स पे टाइम दे रहे हैं, रील्स को ज़्यादा देख रहे हैं। दोस्तों, YouTube का रिवेन्यू कैसे बनता है, YouTube की रिवेन्यू कितनी है, इस बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वो वीडियो जैसे ही आए आपको तुरंत मिल सके। और अगर आप भी अपने YouTube से रिवेन्यू बनाना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पर अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं कैसे नील मोहन एक भारतीय निवासी YouTube का CEO बनते हैं। दोस्तों, YouTube की पूर्व CEO सुसान डायने बोडोस्की कहती हैं कि एक लंबे समय तक काम करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, पर फैमिली के साथ रहने के बाद भी वो YouTube को टाइम देती रहेंगी, जितनी जरूरत पड़ेगी YouTube के लिए वो अपना समय उतना देंगी, बाकी वो अपना वक्त अपने फैमिली के साथ और विश्व घूमना चाहती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने CEO पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारतीय नील मोहन को YouTube का CEO बनाया जाता है। दोस्तों, नील मोहन के बारे में कुछ जानकारी जो स्रोतों से पता चली है, उनकी उम्र 49 साल है और वो 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से स्नातक कर चुके हैं। इन्होंने 1996 में IT कंपनी एक्सचेंजर से अपनी करियर की शुरुआत की। 1997 में ग्रेविटी नाम के एक स्टार्टअप में भी काम किया। ये डबल क्लिक में बिजनेस ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और फिर 2007 में डबल क्लिक को गूगल खरीद लेता है और नील कमल भी गूगल के साथ जर्नी शुरू करते हैं। साथ ही गूगल में इन्होंने बतौर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्प्ले एंड वीडियो एड्स की कमान संभाल ली, और 2015 में इन्हें यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बनाया जाता है। और उसके बाद भारतीय नील मोहन को YouTube 16 फरवरी 2023 को CEO घोषित करती है, ताकि ये YouTube का कमान अच्छे से संभाल सके और YouTube को और अच्छा ग्रो करा सके। बाकी दोस्तों, ऐसी वीडियोस हमेशा ही पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंडिया के अचीवमेंट रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।